नमस्कार, मैं हूं दिवाकर, आप देख रहे हैं JNI न्यूज खबर जनपद बाराबंकी से। जी हां, आपको बता दें, वेटरनेस एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी सूबेदार मेजर जय प्रकाश मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सेनाओं में पेंशन कम करने का प्रस्ताव सैनिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसका वेटरनेस एसोसिएशन व सभी पूर्व सैनिक जोरदार विरोध करते हैं। और अगर इस प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया तो पूरे देश में सैनिक, पूर्व सैनिक व उनके परिवार रोड पर उतरने को बाध्य होंगे। प्रमाणित खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। हमने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया है कि सैन्य मामलों के विभाग DMA ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें यह प्रस्ताव उन्होंने जारी किया है कि सैनिकों की पेंशन को घटाई जाए और अफसरों की प्लस कुछ सैनिकों की सर्विस को बढ़ाई जाए। इसके उपलक्ष्य में हमने यह कहना चाहता हूं कि पहले जो पेंशन का नीति था वो बहुत अच्छा था। आज की डेट में उन्होंने जो पेंशन की कैटेगरी बनाया है उसमें पूरे पूर्व सैनिक और सैनिक, यहां तक कि कुछ कर्नल रैंक तक अफसर भी उसमें इफेक्टेड हो रहे हैं, जिनको कि नुकसान ही नुकसान है। अभी उन्होंने ये दर्शाया है कि 20 से 25 साल तक जो सर्विस करेगा उसको 50% पेंशन मिलेगा और 25 से 30 साल तक जो सर्विस करेगा उसको 60% पेंशन मिलेगा और 30 से 35 साल तक जो सर्विस करेगा उसको 75% पेंशन मिलेगा और 35 साल से ज़्यादा जो सर्विस करेगा उसको ही सिर्फ 100% पेंशन मिलेगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था, सिपाही अगर जो 17 साल में भी जा रहा है तो उसको फुल पेंशन मिलता था और रैंक वाइज जो है कि 22 साल, 24 साल, 28 साल ऐसे करके जो भी था उनको फुल पेंशन मिल रहा था। अभी ये जो नया नियम के अनुसार जो नया प्रस्ताव उन्होंने जारी किया है, जो CDS बिपिन रावत ने पास भी कर दिया है, भारत सरकार द्वारा पास करने के लिए बाकी रह गया है, और इस लागू हो जाने के बाद पूरे जवानों की, JCO की पेंशन आधा हो जाएगी, जो कि घोर अन्याय है, और अफसरों की भी कुछ कम हो जाएगी। इसमें इन्होंने कुछ जवान को और JCO को और अफसरों की सर्विस लेंथ बढ़ाई है, जिसमें कि जवानों की जिसका सर्विस लेंथ बढ़ाया है वो उनका 57 साल तक किया है, जो कि बिल्कुल उसके रेंज में नहीं आते हैं। अगर जो उनको 57 साल सर्विस भी कराया जाता है तो भी उसमें नहीं आते हैं कि अगर जो टेक्निकल के लिए और मेडिकल कैटेगरी के लिए उन्होंने किया है, जो टेक्निकल विभाग है जवान और JCO का और मेडिकल विभाग है उन्हीं के लिए सिर्फ उन्होंने बढ़ाया है कि 57 साल तक नौकरी कर सकता है। तो यदि वो पूरा करते